अपना जो कैप्टन है बाबर आजम, ये हाई क्लास प्लेयर है, बहुत ही कंप्लीट प्लेयर एंड वर्ल्ड क्लास। रिजवान जो है वो भी बड़े क्लास प्लेयर हैं मेरे, मैं उनको पसंद करता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक हमने वो मिडिल ऑर्डर किस क्यों इस तरह से वनरेबल रखा हुआ है। पाकिस्तान का पहला मुकाबला इंडिया के साथ होगा, कमाल खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, टॉप क्लास परफॉर्मेंस देंगे, जान लड़ा देंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजब। आज इंसा.डॉट में हमारे साथ मेहमान है साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस अहमद, जिनके भाई सईद अहमद ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। यूनुस अहमद से बहुत से सवाल आज हम करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त कहां पर देखते हैं और उनके साथ करियर के हवाले से भी बात करेंगे, उनका जो करियर था वो कैसा रहा। यूनुस साहब, सबसे पहले वक्त देने का शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया आई, उसके बाद आप इंग्लैंड की टीम, इस वक्त पाकिस्तान में, आप खुद इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड की टीम का यहाँ पर आना कैसे देखते हैं आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान को और जिन्होंने मेहनत की है। वसीम खान लगे हुए थे, उन्होंने मेहनत की है, हाई कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने बहुत मेहनत की है, तो रमीज राजा भी ने भूलिए उन्होंने भी करके, तो ये है कि जो हम डिज़र्व करते थे वो हमारे, वो हमें मिल गया और टीम आई इंग्लैंड टीम आने के लिए। तो उसमें कैसे देखते हैं इस टीम के साथ वर्ल्ड कप में, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड है वो खासे बड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के जो इस वक्त नौजवान खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा इतना तजर्बा हासिल नहीं है, पहली दफ़ा जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, ओवरऑल कम्बिनेशन कैसे देखते हैं और कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसको देखते हैं कि बेहतर अभी बनाया जा सकता है? मैंने जब कल परसों मैच अपना पूरा देखा T20 का, पहला कराची में जो हुआ, और उस मैच सारे मैच में बातें करता रहा, ये कहता रहा कि देखे बात सुने, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी ग्राउंड बड़ी हैं, उनके बाद उनकी विकेट्स हार्ड विकेट्स हैं, और ये है कि वहाँ पर जो बॉल है जो एयर में जो है वो ट्रेवल क्विकर करता है, ज़्यादा तेज आता है, और उनकी विकेट्स तेज हैं, तो हमारे बैट्समैन जो पाकिस्तानी बैट्समैन जिस वक्त हैं उनकी ज़्यादातर जो प्रैक्टिस हुई हुई है वो स्लो विकेट्स पे हुई है, यहाँ पर हुई है यूएई में जो हमारा एशिया कप हुआ है, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे पास जो इतने क्लास बैट्समैन हैं जो जो हैंडल कर सकते हैं, अब देखना ये किस तरह से ये जाके जल्दी अपने आप को अकोमोडेट कर लें और जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे। भाई, देखा कि ये गया कि ओपनर मोहम्मद बाबर आजम और रिजवान अहमद जब भी आउट होते हैं पीछे जो हमारा मिडल ऑर्डर वो एकदम फ्लॉप हो जाता है। आप खुद भी इस पोजीशन पर खेलते रहे हैं, कितना टफ होता है इस तरह की कंडीशन में खेलना, और ख़ासतौर पर आप ऑस्ट्रेलिया में चूँकि खेल चुके हैं पहले, अब इन नौजवानों के लिए कितना कुछ एडवाइस उनको करेंगे, क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली तो ये है कि अपना जो कैप्टन है बाबर आजम, ये हाई क्लास प्लेयर हैं, बहुत ही कंप्लीट प्लेयर एंड वर्ल्ड क्लास, और बहुत खुशी होती है उनको देख के, बहुत मैं उनके लिए दुआएं करता हूं, और उनकी पाकिस्तान पे डिपेंड भी बहुत करता है। रिजवान जो है वो भी बड़े क्लास प्लेयर हैं मेरे, मैं उनको पसंद करता हूं, वो ये उनके जो अनप्रडिक्टेबल है, ये वो जो निकल जाते हैं गगरी से, वो पहले ओवर में लगाने शुरू कर देते हैं, ये चीज़ जो है ना मुझे पसंद है, और मैं चाहता हूँ इसी तरह से खेलते रहें ताकि वो बॉलर्स को डिस्टर्ब करते रहे। करेजियस है, उनमें दलेरी है, और यही चीज़ जो है बड़ी काम आती है, और मैं बहुत उनसे खुश हूँ और बहुत उनको विश करता हूँ कि वो आगे सक्सेस उनके लिए हो। मिडल ऑर्डर की बात हो रही थी, मिडल ऑर्डर में मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है इस वक्त, मैं बहुत नर्वस हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ कि हमारे मुल्क ने हमें इस एक साल से हमें पता था कि जी हमने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, हमारा मैच एक पहला जो मैच है न्यूजीलैंड में हमने खेलना है, अब मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक हमने वो मिडिल ऑर्डर किस क्यों इस तरह से वनरेबल रखा हुआ है कि हमारे पास कोई गुड हिटर, स्ट्रॉन्ग हिटर्स जो 6-7-8 पे आके मैच को आगे लेके जाएं, और ये है कि 10-12 रन की एवरेज कर दें ताकि इतना टोटल बन जाए कि आपके बॉलर्स जो हैं वो डिफेंड कर सके, ये वीक पॉइंट है पाकिस्तान का इस वक्त। शहनशाह अफरीदी हमारा प्रीमियर बॉलर है, तो आप समझते हैं कि उसका वर्ल्ड कप तक मुकम्मल फिट होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही अहम है? बहुत अहम है जी, बहुत अहम है। शाहीन अफरीदी बहुत ही इम्प्रूव किया है, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जब शुरू किया था नेचुरली, तो जब आप वर्ल्ड स्टेज पर आ जाते हैं तो नर्वस होता है और तो देखना होता है क्या है, तो थोड़े से एक्यूरेट नहीं थे और ज़रा थोड़ी सी उनमें ये था कि स्विंग ज़्यादा जो थी
इतनी वो थे नहीं थी। अभी जो देख रहा हूँ इतनी इम्प्रूवमेंट की है, और ये है कि क्लास बॉलर और इतना मेन बॉलर, उनके बगैर जो टीम जो है ना बहुत बॉलिंग साइड बहुत वीक हो जाती है। उनके चार ओवर्स होने जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारे लिए, इसलिए उनका फिट होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान। ही इज़ अ क्लास एक्ट, क्लास बॉलर, एंड वो हमें भी पता है और सब ऑस्ट्रेलियंस को, न्यूजीलैंडर्स को, इंग्लैंड को, साउथ अफ्रीका को, सबको पता है कि भाई ये ग्रेट बॉलर है, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनस थे। यूनस भाई, टीमें अनाउंस हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, आप कौन सी चार टीमों को सेमीफाइनल तक पहुंचता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनमें से मैं तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को आगे रखूँगा। उसके बाद आते हैं डार्क हॉर्सेस भी आते हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि आप साउथ अफ्रीका को और इंग्लैंड को, ये आप इनको ना समझें कि ये नहीं करें कर सकेंगे। हाँ, ये साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो ज़रा वीक है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का पहला मुकाबला इंडिया के साथ होगा, तो उसके लिए कैसे देखें, कितना अहम होगा पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल? बहुत क्रूशल मैच है ये, बहुत क्रूशल है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं कमाल खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, टॉप क्लास परफॉर्मेंस देंगे, जान लड़ा देंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। ये मैं आपको बात बताता हूँ, 1987 के टूर की इंडिया में जब हमने वहाँ पर जाके 6 वन डे इंटरनेशनल खेले थे और 5 टेस्ट मैच खेले थे, तो हमने उनको जो है बहुत कन्विंसिंगली बीट किया था। 5-1 पे हमने इनको वन डेज में मारा था और हर एक की ग्रेट परफॉर्मेंस थी। इट वॉज अ टीम वर्क, और ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त है कि इंडिया को मैच में जो है ये पकड़ सकते हैं, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट दे विल डू अ रिमार्केबल जॉब। आपने 1987 की बात की इंडिया टूर की, उस वक्त आपका कोई तनाजा भी हुआ था गवास्कर के साथ, वो क्या सूरत हाल थी उस वक्त? बस ये है कि ये इंडिया में उस वक्त अंपायर जो थे वो लोकल अपने होते थे, उनके थे वो इंडियन से, तो ये मैंने देख लिया था, जाते ही देख लिया था कि ये जो अंपायर लोकल है, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये नहीं उनको आउट देंगे। उनमें गवास्कर आते हैं और उसमें कपिल देव आता है, वंसाकर आता है और अजहरुद्दीन आते हैं। अब ये हुआ कि जी हमने इनको मैच जो बहुत टाइट हो गया लास्ट टेस्ट मैच बेंगलोर में और हमारे लिए वो हमने जीत जाना था कन्विंसिंगली, लेकिन गवास्कर ने 97 बनाए और बहुत कमाल खेल रहे थे, लेकिन हमने उनको 3 दफा आउट किया उस इनिंग में। और इस ग्रेट प्लेयर को अगर 3 इनिंग्स दे दें तो वो कैसे आप आउट कर सकते हैं? सुना इस पे इमरान खान नाराज भी आपसे हुए थे, कुछ खफा हुए थे? बिल्कुल नहीं, मेरी और इमरान के कोई ऐसी झड़प या कोई डिसएग्रीमेंट सारे टूर पे नहीं हुई। यहाँ तक हुआ था कि जब मैं सीरीज दोनों ख़त्म हो गई थी, दिल्ली में थे और जब हमने फ्लाइट लेनी थी, और इमरान ने मिला के मुझे कहा था कि यूनुस, आप, मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंग्लैंड में, मैं चूज़ की, मैंने आपको टीम में रखा इंग्लैंड जाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड आप सारी उम्र खेलने हरे विकेट आपकी पता है। तो मैंने उनसे कहा भी था उनसे कि देखें, मैं सब यंग प्लेयर्स को गाइड करूँगा इंग्लैंड में कि क्या क्या होता है, ये ब्रीज जो होती है मॉर्निंग ब्रीज कैसे होती है, कि कब तक होती है विकेट जो है, कि कब तक ग्रीन विकेट जो स्विंग करती है और कैसे खेला जाता है। तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रहा इमरान से। 14 साल की उम्र में आपका डेब्यू हुआ डोमेस्टिक में, 460 आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 360 के करीब आपने स्टेट टूर्नामेंट मैचेस में पार्टिसिपेट किया, 26,800 से ज़्यादा आपने रन किए, 34,000 टोटल आपने रन किए। लेकिन अगर आपका करियर देखा जाए तो 1969 में 2 टेस्ट आपने खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और फिर जाके 1987 में इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट खेले, टोटल 4 टेस्ट खेले। इस दौरान समझते हैं कि आपके साथ तो कुछ इंसाफ नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो आपका हक था? देखिए, बड़े भाई सईद अहमद जो थे वो खेल रहे थे, बड़ी सक्सेसफुल उन्होंने माशाल्लाह खेला, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी रखे। उनके कुछ इश्यूज थे अब्दुल हफीज़ कारदार साहब के साथ, तो उनके इश्यूज जो थे उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इश्यूज हो गए और आपस में उनकी बनी नहीं। अब जब तक मैं खेलने के लिए जब वापस आया खेलने के लिए इंग्लैंड से आया, वहाँ से 1969 में, उस वक्त अब्दुल हफीज़ कारदार साहब मरहूम जो थे वो के चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, तो उन जो चाहते वो करते थे दिए। तो पहले टेस्ट में जो ये हम खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ है कराची में, तो वहाँ पे 4 न्यू टेस्ट कैप्स थी, यूनस अहमद, जहीर अब्बास, सादिक मोहम्मद और नज़ीर जूनियर, 4 टेस्ट कैप्स थी।
तो वो विकेट वो टर्निंग विकेट बनाई गई थी और वो बहुत ही गंदी विकेट थी, बहुत सब स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वो टेस्ट विकेट से ऐसे कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। तो उस पर ये था कि जहीर बेचारों से उनसे नहीं ज़्यादा स्कोर हुआ, हालांकि उन्होंने 8 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बना रखी थी फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान में, तो उस बिना पर उनको सेलेक्ट किया गया था। तो हनीफ और सादिक टू ब्रदर्स ओपन द टेस्ट मैच। अब टेस्ट मैच जो था वो बड़ा ठीक से था लेकिन ड्रॉ हो गया, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी बेहतर नहीं रही क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए। नज़ीर जूनियर थे, उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, 7 विकेट्स इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। वहाँ पर उन्होंने मरहूम अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने हनी मोहम्मद को और जहीर अब्बास को ड्रॉप कर दिया, यहाँ तक किया कि उनको कहा कि आप लाहौर टेस्ट में सेकंड टेस्ट में भी नहीं आप आ सकते। तो जो मैंने ये देखा तो मैं घबरा गया और मैं बड़ा परेशान था कि इतना लेजेंड पाकिस्तान का और इस बुरी तरीके से कि उनके साथ जो पेश हो रहा है ये ठीक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनको अब लाहौर भी कंपनी नहीं करते, जब आपने एक स्क्वाड बना दी है 15 की, वो 15 स्क्वाड जो है वो सीरीज के लिए वो आपको कैरी करनी पड़ती है 15 में जो है उनको। अब ये मुझे समझ ना आए कि ये हुआ कैसे कैसे। अब लाहौर आए लाहौर टेस्ट मैच में, यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही और मुशाक भाई की परफॉर्मेंस नहीं, और हम न्यूजीलैंड से हार गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मुझे और मुश्ताक मोहम्मद को ड्रॉप किया और कहा कि जी आप अपने अपने घर जाइए, आप ढाका नहीं जा रहे थर्ड टेस्ट मैच के। और मुझे किसी ने नहीं आके बोला, किसी ने नहीं बोला बताया कि ये एक वो जो चाय लाने वाला अंदर वो आ गया, बड़े यहाँ हंसता हुआ अंदर आया, गया यूनुस साहब किसी अपना सामान ले के घर चले जाओ। मैं खैर है किधर जा की गल है, वो जी बड़े साहब ने क्या कि तुम ढाके नहीं जा रहे। मैं यार तू बोर्ड का ऑफिशियल है जी? मैं नहीं, मैंने कहा अगर ये बात है सिलेक्शन कमेटी से सीनियर जो सिलेक्टर है वो आपके पास आते हैं, वो आपको कहते हैं कि जी दिस इज द रीजन व्हाट इट इज, लेकिन ये है कि अगले टेस्ट के लिए नहीं कंसिडर आपको कर रहे, लेकिन फ्यूचर आपका जो है वो पाकिस्तान आपके, आपने 20 साल 15 साल आपने पाकिस्तान से खेलना है, आपकी उम्र 21 साल है और अब ये है आप इतनी रेपुटेशन के साथ आप परफॉर्मेंस करके इंग्लैंड से आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैं तो बहुत नाराज़ हुआ, बहुत गुस्से में आया और मैंने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादती है। तो इन चीज़ों से मैं नाराज़ हो गया और मैं चला गया और मैंने कहा मैं अब मैं कॉन्सेंट्रेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड करूँगा। तो ऐसे प्लेयर्स पावर उस वक्त भी थी, अब भी ये देखते हैं कि टीम में है? नहीं अभी तो नहीं है ऐसा है, लेकिन क्या है कि एक टाइम था पाकिस्तान में जबकि ये 2005 2006 2007 2008 कुछ इन ग्रुप्स बन चुके थे, मैं तो इधर नहीं था लेकिन मुझे रिपोर्ट सब मिल रही थी, और दो ग्रुप बन चुके थे और वो ये चाहते थे कि जो जिसका कप्तान बने उसको जो उसको फेल करवाना है उसको बिल्कुल कर दिया, ये होता रहा है। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, अब सब ठीक है, आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं अपनी जान देते हैं। उस भाई टीम सिलेक्शन उस वक्त जब आप लोग खेलते थे बहुत ज़्यादा रन आपने किए, जिस तरह के मैंने बताया कि 34,000 के करीब आपने रन किए डोमेस्टिक में या फिर आपको कहीं जाके फर्स्ट क्लास की फर्स्ट क्लास के उसमें, तो आजकल तो PSL में 2 छक्के लगे और टीम में आ जाएं, ये जरा थोड़ी सी ट्रेजेडी है मैं समझता हूँ। और काफ़ी डिस्कशन इसमें हुई है मेरी, मैं एक दिन हम विवियन रिचर्ड्स मैं और ब्रायन लारा लॉर्ड्स पे थे तो इस चीज़ पे बात कर रहे थे, तो हम तीनों ने ये एक चीज़ अग्री की कि ये ज़रा जल्दी ही ये T20 के अपॉर्चुनिटी जो मिल जाती हैं इन पे क्रिकेटर्स बने नहीं होते, मच्योर्ड नहीं होते, उनको क्रिकेट बैटिंग आर्ट नहीं पता होता और उनको कहा जाता है कि ये आप खेल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि T20 से जो टेस्ट क्रिकेट है उसके खिलाड़ी तैयार नहीं हो रहे बल्कि टेस्ट क्रिकेट भी खत्म होने जा रही है। आप सवाल जरा पीछे, ये भी कहा जाता है कि जो T20 के फॉर्मेट जिस तरह अब ज़्यादा लीग्स भी हो रही हैं और पाकिस्तान में खुसूसन खासतौर पर हर नौजवान ये चाहता है कि वो T20 खिलाड़ी बने, लेकिन टेस्ट मैचेस की जान बट लंबी इनिंग्स खेलने के लिए अब वो ज़्यादा तैयार नहीं नज़र आते लड़के। आई थिंक ये फाइनेंशियली जो चीज़ है ना इसके रिवॉर्ड्स बड़े हैं, अब वो रिवॉर्ड्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहती है और इसमें ये डिपेंड्स करता है किस कंट्री से है आपका है। मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप
अभी भी ऑस्ट्रेलियंस को और इंग्लैंड प्लेयर्स को पूछें वो अभी भी कहते हैं कि ऑप्ट आउट कर लेंगे हम, ज़्यादा ज़्यादा 2020 नहीं खेलेंगे, हम टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं अपनी कंट्री के साथ। लेकिन क्या है कि हमारे यंगस्टर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसी आई है इस टाइम पे, मेरे टाइम पे नहीं थी, तो वो ये अवेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं मिस आउट ना करें फाइनेंशियली, ताकि घर में जो है अच्छा घर भी बना लें और जो लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो जाए फ्यूचर के लिए। यूनुस भाई, आखिरी सवाल के रमीज़ के साथ, आप खेलते भी रहे हैं, आपकी यकीनी तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा मरासम भी है, कोई एक मशवरा जो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए जी, पहली चीज़ है कि मैं रमीज़ राजा को, मैं उसको रैम्बो कहता हूँ, वो मेरा दोस्त, प्यारा दोस्त है, बहुत बहुत हमने अच्छा टाइम गुजारा है, ओपनिंग की है कलकत्ता टेस्ट मैच में। और ये मैं सबसे पहले चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब से वो आए हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, बड़े बड़े अच्छी चीज़ें की हैं, और प्लेयर्स की, वोमर प्लेयर्स की जो पेंशन बढ़ाई है, बड़ा ज़रूरी था और बड़ा अच्छा किया है, मैं उसके लिए वेल डन कहना चाहता हूँ, कंग्रेचुलेशन। मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए ये आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वापस लाएँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पास जो इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, और वो इस वक्त जो वो बेचारे लड़के कहीं और जॉब कर रहे हैं, कोई बहुत परेशान है, उनके पास ऐसी ऐसी जॉबें मैं बता नहीं सकता, मुझे खुद शर्म आती है जब मैं उनको देखता हूँ। शुक्रिया यूनुस भाई, आपने हमसे बहुत ज़्यादा इतनी तफसीली गुफ्तगू की। ये थे यूनुस साहब, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लाना होगा। आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।